हेलो फ्रेंड्स, एचटीएमएल सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कि एचटीएमएल का सिंटेक्स क्या होता है। यदि याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एचटीएमएल क्या होता है और एचटीएमएल के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो रिक्वायरमेंट में हमने देखा था कि हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए और एक ब्राउज़र होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद उसी में हम लोग एचटीएमएल का सिंटेक्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लिखते हैं सबलाइन, क्योंकि हम लोग सबलाइन में ही काम करने वाले हैं। आप चाहो तो विजुअल स्टूडियो कोड या आइटम में भी काम कर सकते हो, लेकिन बिगिनर के लिए सबलाइन एक अच्छा एडिटर माना जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको सबलाइन टाइप करना है, एंटर। ये डाउनलोड लिंक पे आपको जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो 64 ये इंस्टॉल करना है। स्मॉलर वर्जन के लिए आप विंडो में जा सकते हो। तो जैसे आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड कर देगा। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया है, इसको राइट क्लिक करते हैं, शो इन फोल्डर, यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया। इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है, सिर्फ आपको नेक्स्ट करना है। ये आपको पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक द चेंजेस, तो आपको येस करना है। यहाँ पे नेक्स्ट, ये कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना, इंस्टॉल कर लेना। तो दोस्तों इंस्टॉल हो गया, फिनिश किया, ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे जाते हैं सर्च बार में, सबलाइम टाइप किया तो देख सकते हो यहाँ पे ये लिंक आपको दे दिया है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हो ये सबलाइम ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप कोड को लिख सकते हो। रही बात ब्राउजर की, तो आपके पास कोई ना कोई ब्राउजर जरूर होगा, या तो गूगल क्रोम होगा या तो फायरफॉक्स होगा, तो उसे आपको यूज करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक फाइल क्रिएट करना होता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये आपका फाइल क्रिएट हो रखा है, तो ये आपका ब्लैंक पे जाता है। आप चाहो तो इसी में काम कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू फाइल क्लिक करोगे तो एक नया फाइल वो क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट हो गया, लेकिन इसको हमने सेव नहीं किया है, इसको सेव कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस, हमें एचटीएमएल का कोड लिखना है, तो ये डॉट एचटीएमएल से सेव हुआ। ये डॉट एचटीएमएल आपका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं। तो डेस्कटॉप में यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, हमारा फोल्डर होगा HTML, यहीं पे हम लोग सारे फाइल को रखेंगे। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड या सिंपली हेलो डॉट HTML, सेव। तो ये हमारे हेलो डॉट HTML से सेव हो गया। अब एक काम आप यहाँ पे और कर सकते हो, सपोज जो आपने फोल्डर बनाया उस फोल्डर को आप चाह रहे हो यहीं पे शो करवाना, तो उसके लिए यहाँ पे आप फिर फाइल पे जा सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो ओपन फोल्डर, जो आपका फोल्डर था HTML का उसमें जा सकते हो। यही था हमारा, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट फोल्डर। तो यहाँ पे आप दे सकते हो, ये आपको ओपन करके दे दिया। अब इसमें आप सारे काम कर सकते हो, जो आपका ओल्ड वाला है उसको आप डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी आप फाइल क्रिएट करोगे यहीं पे आपका सेव होता रहेगा। अभी हमने HTML का फाइल बनाया है, यहाँ पे हमें क्या करना है, HTML का कोड लिखना है। तो सिंटेक्स क्या होता है, जो भी हम लोग HTML का कोड लिखते हैं उसको हम लोग टैग में लिखते हैं। तो टैग बेसिकली आपका ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग ये होता है। तो HTML का कोड लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना है HTML। इससे पहले एक और लाइन आएगा वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। HTML हो गया, जो भी आप टैग लोगे इसका ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी टैग होगा। तो ये ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग के लिए आपको एंगल ब्रैकेट स्लैश यहाँ पे HTML। तो एक आपका ओपन टैग हो गया, एक आपका क्लोज टैग हो गया, ये सारे के केस में होगा। तो सबसे पहले HTML टैग आता है, उसके बाद आपका आता है हेड टैग, तो यहाँ पे कर दिया हेड, इसका भी ओपन एंड क्लोज, एंटर।
इसके अंदर आता है आपका एक टाइटल, इसके अंदर और बहुत सारे आते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ठीक है। हेड के बाद यहाँ पे आपको लेना है बॉडी टैग, इसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। एंटर, ये आपका मेन सिंटेक्स है, ये हमेशा आपको फॉलो करना है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, चूंकि हम लोग एचटीएमएल का कोड लिख रहे हैं तो ये आपको हमेशा देना है। उसके बाद हेड टैग, हेड टैग में बेसिकली आपके बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जिसमें से पहला आपका टाइटल टैग। ये बेसिकली क्या करता है, ये अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं H1 टैग। ये भी हमारा एक टैग होता है जो हेडिंग के लिए काम आता है, ये सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे कर लिया हेलो वर्ल्ड, अभी इसको हम लोग रन करवाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि सारे टैग का मीनिंग क्या है। तो H1 में हेलो वर्ल्ड ले लिया, टाइटल में हम लोग ले लेते हैं सिंपली हेलो, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये हमारा एक कोड हो गया हेलो वर्ल्ड का। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक लाइन हमने छोड़ा हुआ है, फर्स्ट लाइन। यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन जो कि ये होता है नॉट ऑपरेटर, यहाँ पे आपको रखना डॉग टाइप, इसका मीनिंग आपको बताऊंगा अभी, और यहाँ पे आपको लिख लेना है HTML। देखिए इसका क्या मतलब होता है, ये बेसिकली HTML के एक वर्जन को बताता है जो कि होता है HTML5। HTML5 से पहले बहुत सारे वर्जन्स आए, जैसे HTML4, HTML3, HTML2, HTML1, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग HTML5 को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। सपोज आपको वेब पेज पे ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, या फिर कैनवास चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आपको HTML5 में मिलते हैं। तो सिर्फ ये एक लाइन लिखने का मतलब है कि हम लोग HTML5 के डॉक्यूमेंट को प्रीफर कर रहे हैं। तो ये आपको एक लाइन लिखना पड़ता है, डॉक टैग HTML और यहाँ पे नॉट ऑपरेटर। तो ये एक हमारा HTML का कोड हो गया हेलो वर्ल्ड का, इसको हमने सेव कर लिया है। कहाँ पे सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप में HTML वाले फोल्डर में। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं डेस्कटॉप के HTML वाले फोल्डर में। अब इसे हमें रन करवाना है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हेलो डॉट HTML। तो ये आपको आइकन यहाँ पे बना के दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्रोम को यूज कर रहा हूँ, आप जो भी वेब ब्राउजर को यूज करोगे वो सिंबल यहाँ पे बना के दे देगा, या हो सकता है स्टार्टिंग में आपको वो बना के ना दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे फाइल सेव किया है इसको राइट क्लिक करना है सेलेक्ट करके, और यहाँ पे कर लेना ओपन विद। तो ओपन विद में जो भी आपके ब्राउजर होंगे वो सारा यहाँ पे आपका शो कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम शो कर रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर शो कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज शो कर रहा है, तो ये सारे ब्राउजर होंगे जो आपके सिस्टम में होगा वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम से। मैंने आपको बताया था कि HTML कोड को रन करवाने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक टेक्स्ट एडिटर जो हमने यहाँ पे अभी कोड लिखा है, और एक वेब ब्राउजर जो कि हमने क्रोम यूज किया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड का कोड हमारा रन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे हमने बॉडी वाला टैग यूज किया हुआ, बॉडी वाले टैग में जो भी आप चीज़ लिखोगे वो आपका ब्राउजर में डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड हमने लिखा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो जो भी ये वाइट स्क्रीन है ये आपका बॉडी वाला पार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टैब है यहाँ पे हेलो के नाम से ये शो कर रहा है। ये हेलो वही था जो हमने यहाँ पे टाइटल में दिया हुआ था। तो टाइटल टैग का कहने का क्या मतलब है कि आपको टैब में शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी वाला पार्ट हो गया, हेड वाला सेक्शन हो गया। हेड वाले सेक्शन में और बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे सपोज यहाँ पे हमने H1 टैग यूज किया। H1 टैग कहने का क्या मतलब है, हेडिंग टैग, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे, अभी फिलहाल हम लोग सिंटेक्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आप टैग यूज करोगे, सपोज उसका आप स्टाइलिंग करना चाहते हो, स्टाइलिंग में सपोज आप इसको कलर रेड करना चाहते हो, तो रेड के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो, तो वो आप हेड टैग में यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आप स्टाइल टैग यूज कर सकते हो हेड वाले टैग के अंदर, जिस तरह यहाँ पे हमने टाइटल यूज किया हुआ है, तो उससे आपको यहाँ पे स्टाइलिंग हो जाएगा।
दूसरा क्या कर सकते हो, सपोज आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे यूज करना है, तो वो जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्क्रिप्ट टैग लेके। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप स्टाइलिंग यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि जो भी आपका एक्सटर्नल टैग है उसके लिए आप स्टाइलिंग एक्सटर्नल फाइल में करना चाह रहे हो, तो उस एक्सटर्नल फाइल को आप लिंक दे सकते हो इस हेड वाले सेक्शन के अंदर। साथ ही में कोई अलग से लिंक है, जैसे CDN लिंक वगैरह हम लोग यूज करेंगे या फिर बूटस्ट्रैप के लिंक यूज करेंगे, तो वो सारे हम लोग हेड टैग के अंदर ही देंगे। तो इसीलिए हेड टैग को बोला जाता है कि ये मेटा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। तो ये हमारा क्लास सिंटेक्स था। सिंटेक्स में हमने देखा पहला डॉक टाइप HTML, ये HTML फाइल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद HTML टैग, ये ओपनिंग भी होता है क्लोजिंग होता है, ये हमेशा आएगा। उसके बाद हेड टैग आएगा, ये मेटा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। यहाँ पे टाइटल टैग यूज कर सकते हो जो कि बेसिकली आपके ब्राउजर वाले टैब होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉडी वाला पार्ट, जो भी आपको व्हाइट स्क्रीन में दिखते हैं वो बॉडी वाला पार्ट होता है, और यहाँ पे कोई भी आप टैग यूज कर सकते हो। तो फिलहाल हमने H1 यूज किया हुआ है, आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत सारे टैग यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा था HTML का सिंटेक्स और HTML को कैसे रन करवाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ही प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।